जय माता दी। वेलकम टू एस्ट्रो एडवाइस। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। आज मैं बात करने आई हूँ आप सब से एक बहुत ही खास टॉपिक को लेकर। आप में से ही किसी का सवाल है कि अगर घर में यंत्र की स्थापना करनी हो, चाहे वो श्री यंत्र हो या कुबेर यंत्र हो या लक्ष्मी यंत्र हो, तो वो किस तरह कर सकते हैं और उसका प्रोसेस क्या है। क्योंकि अक्सर देखा गया है, हम इधर उधर कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो यंत्र अच्छा लगा तो कुछ लोग ऐसे ही उसको लेकर आ जाते हैं। लेकिन लेकर आना तक तो ठीक है, लेकिन उसको घर में ला कर के उसको प्राण प्रतिष्ठित करके रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ये जितने भी यंत्र होते हैं, मतलब किसी भी देवी या देवता से जुड़े हुए जो यंत्र होते हैं या बीज मंत्र होते हैं, इनको स्थापित करना, बीज मंत्र को चैंट करना, उनसे सिद्धि लेने का मतलब होता है कि आप कम टाइम में उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। बीज यंत्र मतलब छोटे से छोटा बीज मंत्र, यानी कि छोटे से छोटा मंत्र लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा। ठीक उसी तरह किसी भी देवी या देवता के द्वारा जो भी उनका यंत्र है उसको ला कर के घर में रखने का मतलब होता है कि हमें जब भी लाएं, लाने के बाद उसका जो प्रॉपर तरीका है, जब भी आप यंत्र लेकर आते हैं सबसे पहले तो किसी अच्छे मुहूर्त पे लाइए। जैसे कि अगर पंचक लगे हुए हो या कोई भी बुरा टाइम चल रहा है तो उस टाइम कभी भी इस तरीके की शुभ चीज़ों को घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। जैसे अक्षय तृतीया होता है या फिर पूर्णमासी का दिन होता है, शरद पूर्णिमा होती है, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे दिन आते हैं या फिर जिस दिन बहुत अच्छे योग बनते हैं, तो आप कोशिश करिए कि यंत्र को सिर्फ़ और सिर्फ उसी दिन खरीद के लाएं। घर में यंत्र लाने के बाद में, चाहे वो कुबेर यंत्र हो, श्री यंत्र हो या लक्ष्मी यंत्र हो, आपको उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवानी चाहिए। करनी नहीं चाहिए, पहले करवानी चाहिए। क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो आपने देखा ना, हम अपने बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। इसी तरह घर में जब भी हम कोई मूर्ति लाते हैं या फिर जब भी हम घर में कोई यंत्र लाते हैं, तो सबसे पहले किसी भी पंडित जी को बुला करके, कोई भी मंदिर के पुजारी जो कि कर्मकांडी पुजारी हो, जो कर्म करते हैं, कर्मकांड मतलब जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनको कर्मकांडी कहा जाता है। तो ऐसे किसी भी पुजारी जी को, पंडित जी को लेकर आइए। उनको बोलिए कि हम ये यंत्र लाए हैं तो आप इसकी स्थापना हमें घर में करनी है, तो आप इसकी स्थापना करके दीजिए। तो वो आप मंदिर में, क्योंकि श्री यंत्र हो गया या कुबेर यंत्र हो गया, लक्ष्मी यंत्र हो गया, सबसे पहले और पहले क्योंकि हमें गुरु का आशीर्वाद चाहिए, इसलिए हम उसको पंडित जी को बुला करके उसको हम स्थापित करवाते हैं, उसको हम प्राण प्रतिष्ठित कराते हैं। क्योंकि देखिए, हम लोगों ने तो मंत्रों को सिद्ध किया नहीं होता है, क्यों ज़रूरी होता है कि किसी पंडित जी को ही बुलाना है? क्यों नहीं हम अपने किसी बड़े बुज़ुर्ग से करा लेते हैं? क्योंकि अगर आपको बीमारी है, सर में दर्द है, तो आप सर दर्द की दवाई खाएंगे। बुखार की दवाई खाने से आपको दर्द सर का ठीक नहीं होगा। तो ठीक उसी तरह जब हम किसी यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करवाते हैं तो किसी ऐसे पंडित जी से कराएंगे जिनके मंत्रों में सिद्धि हो, जिन्हें सिद्धि प्राप्त हो। तो वो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हम लोग तो मेडिटेशन के नाम पे 108 बार भी अगर पढ़ लेते हैं तो लगता है ना, अरे आज तो बहुत पूजा पाठ हो गई है ना। तो जो भी कर्मकांडी पंडित हो, सबसे पहले आप उनको बुलाइए और बोलिए आपका जो भी यंत्र है, चाहे लक्ष्मी यंत्र हो या कुबेर यंत्र हो या श्री यंत्र हो, उनको बोलिए कि हमें ये प्राण प्रतिष्ठित करके दीजिए, इसे सिद्ध करके दीजिए। और हमेशा जब भी आप इसे सिद्ध कराएं, किसी बहुत अच्छे मुहूर्त पे सिद्ध कराएं। अब आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि हम तो ऐसे ही लेकर आ गए और हमने तो पूजा भी कर ली है, दिवाली पर लेके आए हैं, तो क्या करें? तो कोशिश करिए कि आप एक बार किसी ना किसी पंडित जी को बुला कर लाइए, उनको आप सिद्ध करने को कहिए, उनसे प्राण प्रतिष्ठित करवा कर ही आप उस यंत्र को अपने घर में रखिए। और जब भी टाइम टाइम पर आप पूजा करते हैं, क्योंकि आप जो भी यंत्र घर में ला रहे हैं, चाहे कुबेर यंत्र हो या लक्ष्मी यंत्र हो, तो आपको समय समय पर उसकी पूजा करनी भी ज़रूरी हो जाती है। घर में आप कोई भी पूजा पाठ से रिलेटेड चीज़ें लाते हैं तो आपको टाइम टू टाइम उसको एनर्जाइज करना ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर तरीके की एनर्जी आसपास रहती है।
इसलिए चाहे कोई यंत्र हो या फिर कोई ताबीज़ आप किसी से लेकर आए हैं जो बहुत ज़रूरी है, आपने रखा हुआ है, कुछ भी हो, आपको टाइम टाइम पर उसको एनर्जाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी के लिए तो सिर्फ इतना कहूँगी कि आप जब भी श्री यंत्र लाते हैं या लक्ष्मी यंत्र लाते हैं या कुबेर यंत्र लाते हैं, कोशिश करिए कि आप किसी से जो सिद्ध करके देते हैं या तो उन्हीं से लाइए या फिर पंडित जी को घर पे आप अपनी मर्ज़ी से पसंद का ले आइए और पंडित जी को घर पे बुला करके आप उनको कहिए कि वो उसे सिद्ध करके दें। आपके जो भी गुरु हैं आप उनको बोलिए कि वो उसे सिद्ध करके दें। तो हमेशा यंत्रों को घर में सिद्ध करके रखना चाहिए और टाइम टाइम पर, ताकि इनकी एनर्जी, इनकी ऊर्जा आपके घर में बनी रहे। टाइम टाइम पर आप इनको एनर्जाइज करवाते रहिए, टाइम टाइम पर इनका पूजन करवाते रहिए। तो जो लोग ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं, जिन्होंने अपने आप से ही पूजा कर ली है दिवाली पर लाके, क्योंकि कुछ ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने मुझसे सवाल किया है, तो उनको मैं कहूँगी कि कोई भी अच्छा मुहूर्त अब जब आता है तो आप किसी भी अच्छे मुहूर्त पर पंडित जी को घर में बुलाइए, बुलाकर उनको बोलिए कि हमारा ये यंत्र सिद्ध कर दीजिए और उसके बाद आप उसको अपने मंदिर में स्थापित करिए। क्यों? क्योंकि जब आप रोज़ाना पूजा करते हैं तो वो धूप अगरबत्ती जो भी आप जलाते हैं, दिया जलाते हैं, उसका धुआं, धूप अगरबत्ती का धुआं आपकी अग्नि की ऊर्जा उस यंत्र को मिलती रहे। नहीं तो ये तरीका नहीं है कि आप लाए, सिद्ध कराए और लॉकर में ले जाके बंद करके रख दे और साल में एक बार जब दिवाली आ रही है तब आप उसको निकाल के पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी यंत्र होते हैं, तंत्र से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, ये भी एक छोटे बच्चे की तरह होती है, इनकी केयर भी हमें एक बच्चे की तरह करनी पड़ती है। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या क्या आप मैसेज दे रहे हैं, ये लेके क्यों आए, इसीलिए ना कि इसकी वजह से आपके घर में समृद्धि बनी रहे। तो जिसके घर में भी इस तरीके के यंत्र हैं, आप समय समय पर इनको एनर्जाइज ज़रूर कराइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरीके की और वीडियोस मिलेंगे और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय माता दी।